शाकाहार सदाबहार किचन में आपका स्वागत है। एक तपेली में हमने तेल गरम किया है एक चम्मच के लगभग, और इसमें अब हम डालेंगे हींग। तो बहुत ही कम तेल है, सिर्फ एक चम्मच तेल। और अब इसमें हम डालेंगे राई। इसके बाद में अब हम डालते हैं भुना हुआ जो मेथी दाना होता है, उसका हमने पाउडर करके रखा हुआ है। यदि आप चाहें तो जो खड़े मेथी के दाने होते हैं वही यूज़ कर सकते हैं। थोड़े दरदरे पिसे दाने थे इसलिए हमने मेथी पाउडर यूज़ किया है। और यहाँ पर अब हम डालेंगे जीरा। तो ये जो मसाले हैं अच्छे से भुन चुके हैं, इनको हम थोड़ा सा चम्मच से हिला लेते हैं ताकि जले ना। तो बहुत ही कम तेल में बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार होने वाली है हमारी। और इसमें अब हम डालेंगे कड़ी पत्ता, और साथ में कुछ डालेंगे हम जो लाल कटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। यदि आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो जो लाल मिर्च है ये गीली वाली ही लाल मिर्च हैं, जो हरी मिर्च लाल हो जाती हैं वही हमने यहाँ पर यूज़ करी है। देखने में भी सुंदर लगती हैं काफ़ी। और अब जो डालेंगे हम इसमें दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे, और इसको तलने के बाद में हम निकाल के बाहर रख लेंगे। मतलब मसाले के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे और इसको फिर हम निकाल के रख लेंगे बाहर गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे मिर्ची है और जो करी पत्ता है अच्छे से भुन चुका है, इसको हम निकाल के बाहर रख लेते हैं। और ये जो डिश है बहुत ही क्विक है, फटाफट तैयार हो जाती है, और बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो इसको आप लंच में चाहे डिनर में कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगती है। तो ये जो मिर्चियाँ हैं इसको अब हम निकाल के रख लेते हैं बाहर। यहाँ पर हमने कुछ ड्रमस्टिक्स हैं उसको सुधार कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मसाला हमने भुनकर तैयार किया है इसमें हम ये जो ड्रमस्टिक्स हैं इसको डाल देंगे। तो ड्रमस्टिक्स जो होती है बहुत ही पौष्टिक होती हैं, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो ये जो ड्रमस्टिक्स हैं इसको मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी के लगभग पानी, ताकि ये बहुत जल्दी पक जाए, पक कर बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये। तो एक कटोरी हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। तो ये हल्दी डालकर इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको ढककर रख देते हैं पकने के लिए। तो यहाँ पर जब तक हमारी मुनगा पककर तैयार होती है, हम जो बाकी की और दूसरी एक दो डिशेस और हैं जो हम लंच के लिए बनाने वाले हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमने इसको ढककर रख दिया है, और इसके बाद में अब हम जो एक बाउल में लेते हैं दही। तो दही जो हमने लिया है थोड़ा खट्टा वाला दही लिया है, और इसमें अब हम डालेंगे नमक, और अब हम डालते हैं 2 से 3 चम्मच बेसन। तो बेसन अपने दही के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। और अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा दही बेसन और जो नमक है ये मिश्रण तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी और डाल लेते हैं, अभी थोड़ा सा गाढ़ा है ये, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और यहाँ पर हम अभी एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारी मुनगा जो है पककर तैयार हुई है या नहीं, क्योंकि जो ड्रम स्टिक होती है फटाफट तो पक जाती है, और इसको हमको पर पूरा नहीं पकाना है, इसको भी हमें ओनली 50% पकाना है। तो थोड़ा सा हाथों से दबा कर देखते हैं हम। तो अभी ये थोड़ा सा इसमें गुंजाइश है पकने की, तो इसको अभी हम थोड़ा सा और ढककर रख देते हैं पकने के लिए। पका लिया है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो मुनगा ये पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मिश्रण तैयार करके रखा है बेसन और दही का, इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये जो है मिश्रण हमने इसमें डाल दिया है, और बहुत ही टेस्टी हमारी जो कढ़ी तैयार होती है ड्रमस्टिक वाली कढ़ी, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही पौष्टिक भी होती है। तो इसमें थोड़ा सा पानी अभी हम और डालेंगे, क्योंकि ये जो है पकने के बाद में थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाता है बेसन के साथ में, जब इसको पकाते हैं तो गाढ़ी हो जाती है कढ़ी। तो यहाँ पर इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है, और इसके बाद में इसमें अब उबाल आने देंगे। तो 3 से 4 उबाल आएंगे और हमारी जो कढ़ी है एकदम तैयार हो जाएगी। 3 से 4 बार अच्छे से उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी कढ़ी है एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको हम बाउल में निकाल के रख लेते हैं। अब इस कढ़ी के साथ में ही हमको बनाना है एक ड्राई सब्जी। तो ड्राई सब्जी जो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी पौष्टिक और सीजनल सब्जी है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ हमने उसके लिए ले लिया है एक कढ़ाई में तेल। तो 1 चम्मच हमने तेल लिया है, इसमें हम डालेंगे हींग, थोड़ी सी जीरा, और अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ मसाले हम इसमें डालने नहीं वाले हैं। अब जो पालक होती है इसको हमने अच्छे से धोकर और बारीक काट के रख लिया है, और इसको अब हमने डाला है। तो इसको भी हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे।
ताकि जो पालक है इसको पकने के बाद भी इसका कलर बरकरार रहे, बिल्कुल हरा का हरा ही रहे। तो इसको हम हाई फ्लेम पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं इसको, और इसके बाद में अब हम जो देख रहे हैं कि साइड से पानी आ चुका है, पालक अपने आप जो पालक से पानी निकलता है पकते समय, तो वह पानी आ चुका है। इसमें ऊपर से कोई पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ हमने धनिया पाउडर लिया है और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी मिर्च हम इसमें डालेंगे। तो एकदम सात्विक शुद्ध सब्जी हम बनाने वाले हैं। इसमें हमने अनियन टमाटर आदि कुछ भी नहीं डालेंगे। तो जो पालक है उसका जो नेचुरल स्वाद है वही हमको मिलेगा एकदम। यदि आप पालक का नेचुरल स्वाद लेना चाहते हैं तो उसको बिना किसी भी एडिशनल कोई भी चीज़ों के आप प्लेन पालक बनाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ अब हम थोड़ी देर के लिए पालक को ढक देते हैं ताकि उसका फ्लेवर भी एकदम से पूरी तरीके से ना जाए। और तब तक हमने जो कढ़ी निकाल कर रखी हुई थी इसमें हम एक बहुत ही बढ़िया कलर के लिए तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। इसमें हम राई डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए, और कुछ हमने यहाँ पर धनिया पत्ती को बारीक कतर कर धोकर रखा हुआ है, तो उसको हम इस तेल में ही डालेंगे। जो तेल में डालने से जो धनिया पत्ती होती है इसका कलर एकदम हरा का हरा ही रहता है। तो इसको हम डाल देते हैं, अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको हम डालेंगे कढ़ी में। तो इससे हमारी जो कढ़ी है ऊपर से देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है, गार्निशिंग हम जब करेंगे इसकी तो खाने में तो टेस्टी है ही कढ़ी, और बहुत पौष्टिक भी है। साथ में ये मसाले डाल देने से, हरी धनिया पत्ती डाल देने से काफ़ी सुंदर भी दिख रही है। तो यहाँ हमने कुछ ड्रम स्टिक्स और कुछ जो लाल मिर्च हमने भून के रखी हुई थी अलग से, उसको भी इसके ऊपर से इस प्रकार से गार्निशिंग कर देंगे, और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे। और इधर पे हमारी जो पालक की सब्जी ये भी तैयार हो चुकी है, एकदम ड्राई हो चुकी है। तो देखिए इसका कलर जो है एकदम नेचुरल कलर है, बिल्कुल भी इसमें कहीं से भी इसका कलर गया नहीं है पकने के बाद में। तो इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। तो कढ़ी के साथ में जब हम ये पालक की सब्जी और गर्मा गर्म चावल जब सर्व करते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी है ये। वैसे चावल तो बनाना बहुत आसान है, हर कोई बना ही लेता है, फिर भी यदि आप उसकी रेसिपी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं इसकी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो थाली में सब्जी को सर्व कर दिया है, साथ में ही जो ड्रम स्टिक कढ़ी है इसको भी हमने सर्व कर दिया है, और जो गर्मा गर्म चावल है इस कढ़ी के साथ में और इस सब्जी के साथ में बहुत ही बढ़िया लगता है। और यदि साथ में जीरा वन हो और साथ में भुना हुआ पापड़ भी हो तब तो ये जो लंच है एकदम परफेक्ट लंच है। तो यहाँ पर अब हम जो चावल है इसमें घी भी डाल देते हैं और साथ में भुना हुआ पापड़ भी हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स परफेक्ट लंच एकदम तैयार है, और ये कैसा बना इसका फीडबैक भी आप मुझे ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करिए, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी अन्य रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र।